से हमारे साथी हमसे पूछ रहे हैं, ये जी आप कलश इकट्ठे कर रहे हो, इस कलश की मिट्टी का क्या करोगे? किसी ने कहा जी जाके संसद के सामने डाल देना, किसी ने कहा इसकी मिट्टी वहां जाके पटक देना। हमने कहा नहीं भाई, इसको लोग बड़े पूजा और यत्न से लेके आए हैं, लोगों ने तो पूजा भी की है इसे देने से पहले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है जो कलश आए हैं। इन सब कलशों का इस्तेमाल इस देश के किसान के लिए स्मारक बनाने में किया जाएगा। पूरे देश की मिट्टी, इस देश के कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं कि वो सब आए, जुड़े और किसान के लिए स्मारक बनाने के लिए कलशों का इस्तेमाल करें। हमारे साथी यहां जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। ये देखिए आपके सामने इसका एक प्रारूप आ रहा है, अभी आराम से दिखेगा, धक्का मुक्की मत करना। ये एक हल है, ये देखिए एक हल आ रहा है किसान का। इस हल के ऊपर आपका एक पीले रंग का कलश लटक रहा है। ये पीले रंग का कलश आपकी मिट्टी का प्रतीक है, इस देश के किसान की मिट्टी का प्रतीक है। और इसके बीच दो छोटे छोटे कलश और लटक रहे हैं, दो छोटी छोटी हांडियां और लटक रही हैं। ये जो दो छोटी छोटी हांडियां हैं, ये हमारे देश के कुछ इलाकों में अगर घर के अंदर कोई नौजवान मर जाए, अगर घर में कोई असमय मृत्यु हो जाए, तो घर में दो हांडियां लटका देते हैं जी। वो दो हांडियां लटकी हैं जो कि किसान की आत्महत्या का प्रतीक। ये जो दो हांडियां हैं ये यहां लटक रही हैं। एक कलश है, हमारे बहादुर साथियों ने इसे उठाया है। मैं अपने बहादुर साथियों से एक वायदा चाहता हूं, जिन लोगों ने इसे उठाया है, ये जी आपने हल उठा तो लिया है, इसको नीचे तो नहीं रखोगे? यह आप सबसे भी मैं वायदा चाहता हूं, ये हल जो इस देश के किसान ने उठाया है, जिसे हम किसान के स्मारक के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री के घर के सामने रखना चाहते हैं, इस हल को अब हमने उठा लिया है। पर जैसे कांवड़ में होता है ना, एक बार उठा लिया जमीन पे नहीं रखते, फिर उसके बाद पूजा करने के बाद ही रखते हैं। तो ये हमने का उठा लिया है हल, और अब इसको तभी रखेंगे जब प्रधानमंत्री जी हमें इजाजत दे देते हैं रेस कोर्स पे इसे उतारने की। ठीक है जी, इसके अंदर आप सबको भी कुछ करना होगा, खाली हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। हम सब लोगों को ड्यूटी भी देनी पड़ेगी जी। इसको उठाने के बाद नीचे रखने की नौबत आ गई तो इसका मतलब हम थक गए, तो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी देंगे जी। जो इस हल को उठाने में, किसान के इस प्रतीक को उठाए रखने के अंदर अपना सहयोग देना चाहते हैं, एक घंटा दो घंटा दो दिन देना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करें जी। वो सब लोग बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले रहे हो, आप सोच के जिम्मेवारी लेना जी। इसका मतलब है कि इस हल को हम उठाए रखेंगे, प्रधानमंत्री जी से मांगेंगे कि आप ये रेस कोर्स वाली जमीन हमें किसान का प्रतीक बनाने के लिए दे दीजिए। आप आज दे दीजिए, आज हम इसे नीचे रख देंगे। आप कल दे दीजिए, हम कल जाके इसे रख देंगे। कोई भीड़ भड़क्का नहीं करेंगे, हमारे 10 साथी जाके रखाएंगे। आप घबराओ नहीं, आपकी सिक्योरिटी को हम कोई चैलेंज नहीं करेंगे। और नहीं तो मेरा सुझाव है, रखो रखो यहीं पे खड़े रखना है, मेरा सुझाव है कि 15 कंधे पे रख लीजिए, कंधे पे रख लो इसे। मेरा सुझाव है जी दूसरा, कि प्रधानमंत्री जी ने सुझाव मांगा था कि 15 अगस्त को उन्हें अपने भाषण में क्या बोलना चाहिए, तो मेरा सुझाव है, इस देश के सब किसानों की तरफ से सुझाव है कि प्रधानमंत्री जी आप अपने 15 अगस्त के भाषण में इस सच को स्वीकार लो कि इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। करना चाहिए ना, अगर ईमानदार प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें मानना चाहिए इस सच को, और सिर्फ मान लेने से काम नहीं करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को कुछ बताना भी पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। तो एक आत्महत्या मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की क्या योजना है, वो भी हमें 15 अगस्त को बताएं।
प्रधानमंत्री जी की सड़क योजना होती है, रोजगार योजना होती है, प्रधानमंत्री जी की लड़की वाली योजना होती है। प्रधानमंत्री जी, इस देश को आत्महत्या मुक्त बनाने के लिए आपकी क्या योजना है, ये भी बताइए। तो मेरा ये सुझाव है, ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, हमने ये हल उठा लिया है, अब इस हल को उठाए रखेंगे, किसान अपना समय देंगे, बहुत दूर के किसानों को तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये नजदीक के किसान, एनसीआर के किसान, दिल्ली के किसान, नौजवान मजदूर और इस देश के बुद्धिजीवी, आर्टिस्ट, सब लोग आके इसको उठाए रखेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ना भी माने, अगर रेस कोर्स में देने को उनका दिल ना पसीजे, तब भी 15 अगस्त सुबह तक हम इसको उठाए रखेंगे। 15 अगस्त सुबह क्यों, हम प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनेंगे जी, हम सब मिलके यहाँ पे इस हल को उठाए हुए प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनेंगे और सुनेंगे कि वो आत्महत्या का जिक्र करते हैं कि नहीं। प्रधानमंत्री जी को पता है कि नहीं कि इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, और ये भी सुनेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आपको इस देश को आत्महत्या मुक्त बनाने की आपके पास क्या योजना है, ये भी सुनेंगे। तो आप सबकी तरफ से मैं संकल्प लूं, हम सब ये संकल्प ले रहे हैं, और ये जो दिल्ली और एनसीआर वाले लोग हैं, इन सबकी ड्यूटी अब लगेगी रात को भी, आज शाम को ही खूब जोर से बारिश होगी, धूप में, बारिश में, दिन में, रात में, 15 अगस्त प्रधानमंत्री के भाषण से पहले हम छोड़ेंगे नहीं, उससे पहले तभी छोड़ेंगे अगर प्रधानमंत्री जी रेस कोर्स जाने की इजाजत दे दें, वहां रखने की इजाजत दे दें, तो हम बिल्कुल मान लेंगे। तो आप सबकी तरफ से मैं संकल्प लूं, हम सब लोग मिलकर संकल्प लें, हम इस देश के किसान की तरफ से संकल्प लेते हैं कि हम किसानों के इस स्मारक को प्रधानमंत्री के घर के आवास के सामने स्थापित करेंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण तक हम इस प्रतीक को, कोई 1.5 क्विंटल का है जी ये, इस प्रतीक को अपने कंधे पे रखेंगे ताकि प्रधानमंत्री को याद रहे और इस देश की आत्मा को याद रहे कि किसान आत्महत्या कर रहा है। मेरा एक और प्रस्ताव है, महाराष्ट्र की हमारी विधवा बहनें यहाँ पे आई थी, जिनके देख के किसी का भी कलेजा फट जाएगा, मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री के घर की तरफ जब हम चलें शांतिपूर्वक तरीके से, कोई पंगा नहीं लेना, पुलिस से कोई झगड़ा नहीं करना, वो भी बेचारे कल रात को उन्होंने जो गुंडागर्दी की हो, लेकिन वो किसान के बेटे हैं, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। उसका जब हम जाएं ले जाने के लिए, उसका नेतृत्व हमारे महाराष्ट्र की वो विधवाएं करें जो कि इस देश में किसान की आत्महत्या की पीड़ित है, ठीक है जी। तो बस मिलके मेरे साथ 3 नारे लगाइएगा, मेरे से इस 10 दिन की किसान यात्रा में हमने सिर्फ 3 बातें सीखी हैं जी, आपको बता देता हूं। उसके बाद नवलगढ़ की बहनें भी आए जिन्होंने वो खूबसूरत गीत